नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन कंडीशन जिसे हम फिशर के नाम से जानते हैं। ये फिशर यूजुअली एनल कैनाल के अंदर होता है और इसलिए हम इसे एनल फिशर या टेक्निकल टर्म में फिशर इन एनो के नाम से पुकारते हैं। इसका मतलब है कि एनल कैनाल के अंदर एक जख्म हो गया है जिसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट स्टूल पास होना, लंबे समय तक डायरिया होना, प्रेगनेंसी होना, कॉन्स्टिपेशन रहना। इन सभी कंडीशंस में ये फिशर या जख्म हो सकता है। अब इसके सिम्टम क्या हैं? फिशर की वजह से आपको बहुत तेज़ दर्द होगा क्योंकि ये जख्म पेन सेंसिटिव एरिया में होता है, और स्टूल पास करते हुए बहुत तेज़ दर्द होगा जो उसके बाद कई घंटों तक रह सकता है। और क्योंकि ये जख्म है, जब स्टूल्स इससे रगड़ते हैं तो कुछ हद तक ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती और कुछ देर के बाद अपने आप ही रुक जाती है। लोग इस कंडीशन को हेमरॉइड्स यानी पाइल्स के साथ कन्फ्यूजन करते हैं, लेकिन पाइल्स में ज़्यादातर केसेस में ब्लीडिंग पेनलेस होती है, उसमें ज़्यादातर लोगों को दर्द नहीं होता या बहुत कम दर्द होता है, जबकि ब्लीडिंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फिशर। सो फिशर में दर्द ज़्यादा रहेगा, ब्लीडिंग कम होगी। ये ज़ख्म के आगे बढ़कर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे अगर ये बड़ा हो जाए तो सराउंडिंग एरिया में एक्सटेंड कर सकता है, एक बड़ा ज़ख्म बन सकता है, यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकती है। और अगर इसको टाइमली ठीक ना किया जाए तो इसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये फिर आगे बढ़कर क्रॉनिक फिशर हो जाता है जो दवाइयों से ठीक नहीं हो पाता। अब हम जान लें कि इसके ट्रीटमेंट क्या क्या हैं। जो एक नया फिशर है उसे हम एक्यूट फिशर इन एनो कहते हैं, मतलब कि ये नया नया ही बना है, और इस कंडीशंस में हम कुछ दवाइयों की मदद से इनको ठीक कर सकते हैं, जैसे कि पेन किलर्स पेन को कम करने के लिए, स्टूल सॉफ्टनर्स स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए ताकि हार्ड स्टूल से ये जख्म आगे ना बढ़े और इसे ठीक होने का मौका मिले, सिट्स बाथ यानी कि गर्म पानी या कोसे पानी में बैठना जिससे इस जख्म साफ हो और इसे हील करने में मदद मिले। जख्म की वजह से इस एरिया के मसल्स बहुत टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस जख्म तक ऑक्सीजन या ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता और ये हील नहीं हो पाता। तो सिट्स बाथ के ज़रिए और कुछ लोकल मेडिकेशंस, कुछ ट्यूब्स के ज़रिए हम इसको मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं और इसे हील करने में मदद कर सकते हैं। अगर ये एक्यूट फिशर टाइमली ना ठीक हो तो इसके बाद एक स्किन टैग बन जाता है, यानी कि आपको एक मोका फील होगा अपने एनल कैनाल के अराउंड, जो कि एक स्किन बढ़ी हुई होती है जो नेचर इस फिशर को प्रोटेक्ट करने के लिए बढ़ा देता है। वो स्किन टैग यूजुअली दवाइयों से ठीक नहीं होता, और अगर ये फिशर आपकी बेस्ट मेडिसिन और कुछ हफ्तों में नहीं ठीक हो रहा है तो डॉक्टर्स एक छोटा सा ऑपरेशन कर सकते हैं। ये ऑपरेशन कई तरीके से किया जा सकता है। इसमें हम जो मसल जो टाइट हो गया है फिशर के अराउंड उसको थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, उसको कुछ हद तक काट कर उसे हील करने में मदद करवाते हैं, और आजकल इसकी नई टेक्निक्स है जैसे कि लेज़र की मदद से भी ये ऑपरेशन किया जा सकता है। ये एक ओपीडी काइंड ऑफ प्रोसीजर है, बहुत जल्दी होने वाला ऑपरेशन है, और आप उसी दिन शाम को या ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट डे मॉर्निंग घर जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको एक बार